सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ अपनी नया व्लॉग लेके। इतने दिन मेरे एग्ज़ाम चल रही थी तो मैंने व्लॉग नहीं बना पाया और कुछ वीडियोस भी नहीं बना पाए। तो कल ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो आज संडे है, संडे में पीजी में खाना नहीं देते, मतलब एवरी संडे नहीं, मंथ के लास्ट संडे में हॉलीडे रहते हैं, वो लोग भी घूमने जाते हैं। तो हमें लास्ट संडे खुद से खाना बाहर से या फिर बना के कुछ भी करके खाना। तो मैं अभी जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए, यहाँ पर मैगी है। तो गाइस आज जो मैं मैगी बना रही हूँ ना, मैंने यहाँ पे यप्पी और मैगी दोनों मिक्स करके डाला है और मसाला भी दोनों का डालूँगी, मैगी का और यप्पी का। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब मेरे पास दो ही था तो इसीलिए मैंने डाल दिया। वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है मैगी के साथ, तो था मैंने सोचा क्वान्टिटी ज़्यादा करने के लिए दोनों साथ में, और टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। तो अभी देखो मैं बना रही हूँ मैगी। गैस आज बाहर कर दिया क्यों, ताकि कुछ कोई बना ना चाहते हैं तो कोई बना सके, क्योंकि आज खाना नहीं देखा जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो मैं बना रही हूँ मैगी, मुझे कुछ आता भी नहीं है मैगी के अलावा बनाना, तो वही देखो कैसा टेस्ट होता है, मैं वीडियो में बताऊँ। आज संडे है, देखो सब लोग यहाँ पे कपड़े के धोने के लिए लाइन पर रखा है मशीन के सामने। यहाँ पर दो दो है बट एक काम नहीं करता। तो मेरी मैगी तो हो गई तैयार, जो चलो खाते हैं। यप्पी और मैगी जो है वो मिक्स करके बनाइए, चलो टेस्ट करके आप लोगों को कुछ शेयर करते हैं कैसे। समझ नहीं आ रहा ये यप्पी है या मैगी, अच्छे लग रहे, इतना बुरा भी नहीं और मैगी जैसा नहीं लग रहा। मुझे मैगी बहुत पसंद है, नॉर्मल मैगी जैसे नहीं लग रही। ये देखो कितनी गंदी हो रखी है। यहाँ पे जो मेरे रूममेट थे वो एक्चुअली घर गई है 10-15 दिन के लिए, तो उसका बेड हमने मतलब कपड़े रखने की जगह बना दिया। और विंडो तो मत ही देखो पढ़ाई के लिए, देखो इतने दिन एक हफ्ते तक मेरा एग्ज़ाम था तो ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड की हालत। तो अभी मैं सब कुछ साफ़ करूँगी, सबका ऐसा ही है, बट ये दीदी बहुत क्लीन रहती है हमेशा, बट मैं बहुत गंदी रहती हूँ, तो मैं अभी ये क्लीन करूँगी। ये सारे कपड़े वॉश किया हुआ है, मतलब वॉश करने के बाद एग्ज़ाम आ गए, तो एक दिन में दो दो एग्ज़ाम था, मॉर्निंग और आफ्टरनून। आफ्टरनून तो नहीं, उससे मतलब 3 o'clock 4 o'clock एक था और फिर मॉर्निंग एक था। तो पढ़ाई के चक्कर में और ऐसे एक दिन में कवर, वैसे भी एक सब्जेक्ट भी नहीं होता, पहले तो पढ़ाई की नहीं, फिर दो दो सब्जेक्ट दे दिए, तो फिर कैसे भी करके मैनेज कर लिया। इतना अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, कुछ कुछ अच्छे गए कुछ कुछ अच्छे नहीं गए, तो इसीलिए कुछ काम भी नहीं किया। तो अभी आज संडे है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, तो चलो। और आज का वेदर भी बहुत ठंडी ठंडी है, इसलिए बहुत ठंडी भी लग रही है। तो ये सब वॉश नहीं कर रही, बारिश आने वाली है तो सूखेगा नहीं। ये पहले से वॉश किया हुआ था, मैंने फोल्ड नहीं किया, तो बाकी गंदे कपड़े भी हैं बहुत सारे। अभी मैंने सोचा था आज वॉश करूँगी बट नहीं हुआ। तो गाइस अभी हम कोकोनट खाएंगे, ये तोड़ने में बहुत मेहनत लगी है। हम सब सोच रहे थे इसको, हमारे पास कुछ भी टूल्स वगैरह नहीं थे कि इसको तोड़े, तो फिर कैसे भी करके ऊपर जाके तोड़ के लाए, अभी हम खाएँगे। ठीक ठीक हाय व्हाट आर यू डूइंग सीरियसली आई एम टॉकिंग टू यू शी इज बिजी इन हर ओल्ड वर्ल्ड। तो गाइस इतने मेहनत के बाद मुझे बाहर जाना था कुछ खाने के लिए, पर बाहर इतना बारिश है मैं क्या बताऊं। मैंने चूल्हे के जूस की ठंड है, मैंने नहाया भी नहीं। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे कुछ खाना लाने के लिए, कुछ भूख भी नहीं लगी, मैं ऐसे ही खा रही हूँ। वो लोग गई थी, मैं अभी तक उनके साथ नहीं गई, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब पीजी के नीचे एक रेस्टोरेंट है, बाय बाय। पीजी के नीचे ही एक है, मतलब हमारे जो पीजी में है उसी बिल्डिंग में है, और बारिश थोड़ा कम हो गया तो मैं लेके बस अंदर आ जाऊंगी। तो अभी खाएंगे गर्मा गर्म मोमोस।
सो गाइस इवनिंग में मैं बहुत जोर की सो गई थी, अभी अचानक से कॉल आया कि मेरा एक पार्सल आया, तो देखते हैं, मुझे याद भी नहीं है बोल रहे पेमेंट क्या हुआ है, तो मैं एक्साइटेड हूँ क्या है देखने के लिए, नीचे चलते हैं। सो गाइस ये देखो मुझे ये पार्सल मिला जो कि 0 रुपीज़ में है, मुझे कोलैबोरेशन के लिए भेजी है, तो ये कुछ आस्था बेरी ब्रांड से है, तो आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड टू ओपन दिस। तो इसके लिए अभी मुझे वीडियोस बना के उनको सेंड करना पड़ेगा और मेरे अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे अच्छे से रेडी होने के वो करना पड़ेगा, तो आज मैं नहीं करूँगी, आज आपके सामने ऐसे ही अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। बाप रे इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ है, मुझे ओपन करना ही नहीं आ रही, मैंने पेन का देखो निप तोड़ दिया, देखो ये देखो फिर भी नहीं हो रहा। सो गाइस मुझे मिला ये 2, डोंट नो व्हाट इज दिस, अनियन हेयर मसल, और ये ओह आई लाइक दैट, ओके लेट्स सी। सो गाइस अभी डिनर टाइम है, तो अभी बाहर जा रहे हैं हम डिनर के लिए, पता नहीं क्या खाएंगे, डिसाइडेड नहीं है, तो चलो जाके देखते हैं, फिर मेनू देख के जो अच्छा लगेगा वही, मैं वैसे ही जा रही हूँ, नीचे ही है क्योंकि मैं ऐसे भी रेडी हूँ, इतना रेडी हो के सज धज के बाहर नहीं जाती। हैवी रेन, और अभी हम छतरी लेके जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। गाइस हमें हमारी सबका देखो मसाला डोसा मिल गया, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो भी आए हैं, से हाय टू माय व्लॉग, दे आर न्यू मेंबर, वही तो नाउ वी आर ईटिंग डोसा, ओके बाय बाय। आज के लिए इतना ही डिनर, तो डोसा के बाद अभी हम कुछ ठंडा पी खाएंगे, तो मैंने लिया कुल्फी, यू नो हिंदी रियली, सो गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।